Hi everyone, my name is Eras and today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will try to cover some different topic with different ideas and many more different things, right? In the previous lecture we have seen so many topics that in this lecture we are going to deal with the first topic, that is the differences between arteries and veins. In the previous classes I have already given you knowledge about the arteries, veins, etc. and capillaries, right? Today we will learn what are the differences between arteries and veins are, right? Obviously, yes. And this is your topic, right? This is the topic. So these all the differences are the most important differences. So you should must mention these differences in your copy or notebook, right? If you want, then you can write it. आप चाहो और आप इसे पहले लिख सकते हो, है कि नहीं? चलिए लिख लिया, आगे बढ़ते हैं जी, और हर एक पॉइंट्स को, सभी चीजों को वन बाय वन करके एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं, राइट? चलिए देखिए, आर्टरीज और वेंस के बीच का क्या डिफरेंसेस है, मैंने लिखा रखा है कुछ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 पॉइंट है, एंड दैट मींस कि टोटल 6 डिफरेंसेस आर, राइट? देखो पहला बताया गया आर्टरीज के बारे में कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो आर्टरीज होता है वो ब्लड को कैरी करता है लेकिन अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से, हमारे हृदय से दूर लेके जाता है, राइट? लेकिन वेंस जो है वो, वेंस कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, लेकिन वेंस भी ब्लड को कैरी करता है लेकिन ये हार्ट के पास लेके जाता है। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है और वेंस जो है वो ब्लड को हार्ट के करीब लेके जाता है, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, यानी कि आर्टरीज और वेंस के बीच के ये पहला डिफरेंसेस हुआ, राइट? Let us talk about the next one. These carry oxygenated blood except pulmonary arteries. जो ये arteries होते हैं वो क्या है? तो वो oxygenated blood को carry करता है except pulmonary arteries के अलावा, जितने भी arteries हुआ वो क्या करता है? वो oxygenated blood को carry करता है, यानी कि pulmonary arteries जो है वो deoxygenated blood को भी carry कर सकता है, right? इधर देखिए, these are deoxygenated blood except pulmonary veins, right? तो ये जो हमारा veins हुआ वो क्या करता है कि deoxygenated blood को carry करता है except किसके अलावा? तो pulmonary vein के अलावा। pulmonary vein जो है वो deoxygenated blood को carry नहीं करता है, right? यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे vein है, pulmonary vein है ना, लेकिन इस side जो नाम है वो pulmonary arteries नाम है, right? समझ गए? तो पुलमोनरी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता, और यहाँ पे है कि पुलमोनरी वेन जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता। तो एक है वेन और दूसरा है आर्टरी, तो इस बात को भी गौर किया कीजिए, राइट? चलिए ये कंप्लीट होता है तो आगे वाले पे बढ़ सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है, आर्टेरियल वॉल्स आर थिक, जो आर्टेरियल वॉल्स होता है यानी कि आर्टरीज का जो दीवार होता है वो मोटा सा होता है, राइट? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो हाई प्रेशर से जाता है, इसीलिए फट ना जाए उसका ब्लड वेसल्स, इसके लिए मोटा होता है ताकि वो सह जाए, राइट? इधर देखिए, वॉल्स ऑफ वेंस आर थिन, लेकिन वेंस का हिंदी में नहीं, नस है, ये जो वेंस का दीवार होता है वो पतला सा होता है, थिन है, राइट? ये चीजें कंसेप्ट में क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जानते हैं, दीज आर हाईली इलास्टिक इन नेचर, जो आर्टरीज होता है वो इलास्टिक होता है इन नेचर से, यानी कि वो इस प्रकार से फैल करके सिकुड़ भी सकता है, राइट? यानी कि लचीलापन उसमें ज्यादा होता है, राइट? क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो उसको सहने की शक्ति होना चाहिए, राइट? अब देखिए इसी वेंस के बारे में बातें करते हुए, दीज आर लेस इलास्टिक देन आर्टरीज, लेकिन जो ये हमारा वेंस होता है वो इलास्टिक सिटी के मामले में या फिर इलास्टिक के मामले में कम होता है, किसके मुकाबले? तो आर्टरीज के मुकाबले। आर्टरीज ज्यादा इलास्टिक है और वेंस कम है आर्टरीज से, राइट? लेकिन ये भी इलास्टिक नहीं है, राइट? नेक्स्ट है, दिस डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, जो हमारा आर्टरीज होता है वो कभी चिपकता नहीं, इस प्रकार से सट नहीं जाएगा अगर इसमें ये खाली रहा तो, जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन दिस कोलैप्स इजिली व्हेन एम्प्टी, लेकिन अगर वेंस हमारा अगर खाली रहा तो ये कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चिपक भी सकता है, बैठ भी सकता है, कोलैप्स करने के मतलब यही हुआ, राइट? नेक्स्ट है, दिस डू नॉट हैव एनी वॉल्व्स, जो हमारा ये आर्टरीज होते हैं, ये आर्टरीज के पास किसी भी प्रकार का कोई वॉल्व्स नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि ब्लड को होल्ड करके रखेगा या फिर रोकेगा, इधर से उधर पास होने में गेट कीपर के काम करेगा, ऐसा नहीं है।
लेकिन दीज हैव ए सीरीज ऑफ वाल्व्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसके पास, वेंस के पास बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, वॉल्व्स होता है जो कि इंश्योर करता है। वॉल्व्स जो है वो किस लिए हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जा रहा है, ठीक है राइट, और या फिर ये ब्लड को कैरी कर रहा है कहाँ से, तो वेंस कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर ब्लड लेकर जा रहा है, ठीक है, बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड लेकर जाता है वेंस, तो ये नीचे की ओर ना फॉल गिरने लगे, नीचे ना बहने लगे, उसके लिए ये जिम्मेदार है वॉल्व्स जो वेंस के पास है, वो श्योर करता है कि नीचे की ओर, पीछे की ओर जो है वो फ्लो नहीं कर जाए, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी, इसलिए यस आगे बढ़ सकते हैं जी। चलो तो तुम लोग इसे देख लो, मोबाइल लाए हो तो फोटोज खींच लो मोबाइल में, है कि नहीं, लिखा तो नहीं ही होगा। चलिए क्या हो गया, चलो वेरी गुड। अब इसमें किसी को दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कुछ है ही नहीं इसमें, जो चीजें था तो वो तो मैंने बता ही दिया, और देखने में तो तुम एक्सपर्ट हो ही, राइट। चलिए इसे फिर से एक बार देख लीजिए, आप लोग भी जरूर लिख लो क्योंकि मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ। चलिए आपने लिखा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बातें कर रहा हूं मैं जो कि हार्ट्स के बारे में, तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट द हार्ट्स। ये हार्ट्स के बारे में भी जानकारी मैं आपको दे दूं, राइट। चलिए देखिए, वी विल लर्न द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स। हार्ट के बारे में हम लोग कुछ निम्नलिखित चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, राइट। वो क्या क्या है, तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट बाहरी से कैसे दिखता है, क्या क्या चीजें है, वो चीजें हम लोग सीखेंगे, राइट। और इतना ही नहीं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो दो चीज पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। डोंट वरी, मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा और फिगर के साथ मैं आपको हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। समझ में आ गया चीजें, किसी को कोई दिक्कत हो रहा है नहीं, तो आगे बढ़ जाए, राइट। चलिए इसे लिख लो, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में इतना सारी बात जो है वो आपको जानना लायक है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको मैं जो कुछ भी चीजें लिखा गया है वो बहुत ही प्रिसाइज करके, और हर एक एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ही आसान से इसे सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, राइट। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए आपने इसे लिखा, चलो वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, राइट। देखो सबसे पहले बता रहा हूँ इसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, द हार्ट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज अबाउट द साइज ऑफ अवर फिस्ट। सबसे पहले जानिए फिस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, फिस्ट का हिंदी मीनिंग हुआ मुट्ठी, ठीक है। तो पहला पॉइंट में बताया गया कि हार्ट जो है वो क्या है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो जिसका साइज तकरीबन कितना बड़ा है, तो हमारे इस मुट्ठी के तकरीबन करीब है उसका साइज, राइट। तो जितना बड़ा मुट्ठी अगर बन रहा है उतना ही बड़ा हार्ट जो है वो आपके सीने में धड़क रहा है, राइट। तो समझ गया हार्ट के बारे में, एक हॉलो खोखला सा मस्कुलर ऑर्गन है, राइट, जिसके अंदर में ब्लड आवाजाही करते रहता है, राइट। चलिए कभी अंदर कभी बाहर इस प्रकार से होते रहता है। नेक्स्ट है, दिस इट मेजर्स अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, राइट। अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ की मैं बातें करूं तो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा है और तकरीबन 9 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी, राइट। तो इस चीज को भी गौर करेगा, यहां से कंपटीशन में जो है वो पूछा जा सकते हैं। तो जो कुछ भी मैंने बताया है इसी हार्ट के बारे में, तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके ऊपर गौर कीजिएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट, इट इज शेप्ड समवॉट लाइक ए कोन एंड वेक्स अबाउट 300 ग्राम इन एन एडल्ट, राइट। ये जो हमारा हार्ट है वो कुछ हद तक ये कोन के आकार जैसा बना हुआ, राइट। और इसका जो वजन कीजिएगा, जब तौलिएगा इसको, नापना नहीं है बल्कि इसको तौलिएगा, वेट कीजिएगा, तो पता चला कि 300 ग्राम इसका वेट है, राइट। जमान की मैं बातें करूं, जमान पर्सन में तकरीबन 300 ग्राम होता है इस हार्ट का वेट, और ये कोन की शेप की बात है, राइट, एक कोन का स्ट्रक्चर ये लेता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है, द हार्ट इज लोकेटेड सेंट्रली बिटवीन द लंग्स विथ नियरली 2/3 ऑफ इट्स मास टुवार्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिडलाइन, ठीक है।
देखिए जो हार्ट है वो लोकेशन के बारे में बातें कर रहा है, जो हार्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जो हार्ट है वो लोकेटेड है सेंट्रली बिटवीन द लंग्स, हमारे लंग्स के सेंटर सेंटर में, तो यहाँ पे हो जाता है राइट विद नियरली 2/3 ऑफ इट्स मास। इसका जितना वजन है उसका 2/3 मास हमारा हार्ट है राइट, जो कहाँ है तो हल्का सा मिड लाइन, ये जो हमारा लंग्स, लंग्स का ये मिड लाइन हुआ, तो मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ पे जो है वो सीने में दिल जो है वो हमेशा के लिए धड़कता है। क्या चलो देख लो, हाँ यस धड़क रहा है वो, ठीक है ना। नहीं धड़क रहा तो समझिए कि काम तमाम हो गया। चलिए नेक्स्ट है, द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर, दैट इज इट हैज अपर 2 स्मॉल साइज ऑरिकल्स, ऑरिकल्स को ऑट्रियम्स भी बोलते हैं, एंड लोअर 2 लार्ज साइज वेंट्रिकल्स राइट। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होता है हार्ट के पास राइट। देखिए जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में बांट दिया गया है कुछ इस प्रकार से, कहेंगे कुछ इस प्रकार से ठीक है। देखो देखो ये 4 होल है ना, तो 4 चैम्बर है, यानी कि 4 कमरे की तरह उसे बंटवारा कर दिया गया है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर यानी कि 4 कमरे हैं राइट, समझ गए ये चीज। जिसको में से 2 गो ऊपर में, 2 चैम्बर ऊपर है जो स्मॉल साइज है, जो छोटा साइज में है, उसका नाम है ओरिकल्स या फिर ऑट्रियम्स भी उसको बोलते हैं, लेकिन लोअर 2 लार्ज साइज है। लेकिन जो नीचे 2 चैम्बर है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसको नाम दिया वेंट्रिकल्स का। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर, टोटल 4 चैम्बर, 2 ओरिकल्स ऊपर साइड में, 2 ओरिकल्स और नीचे 2 चैम्बर का नाम है ये वेंट्रिकल्स ठीक है। तो 2 ओरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं हमारे इसी हार्ट के बारे में बातें करते हो राइट। अब इस हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहा राइट, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब जो है जो कुछ भी बता रहा हूँ वो हार्ट के डिजाइन के बारे में, किस प्रकार से हार्ट है, हार्ट में ये होता है ये नहीं होता है, इस प्रकार से बातें करते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ राइट। तो आगे भी समझिए, बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोनों जरूरी है, आवश्यक है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रोल प्ले करता है राइट। नेक्स्ट है, हेंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स राइट। देखिए जो हमारा हार्ट है वो हार्ट के पास 4 चैम्बर क्यों है कोई पूछेगा, तो तुम मुझसे कहना कि किस लिए। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो जाकर के ऐसा ब्लड के साथ ना मिल जाए जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मिल गया तो काम तमाम हो जाएगा राइट, इसलिए समझा कीजिए। तो इसीलिए वो चैम्बर्स हैं, और चैम्बर इंश्योर करता है कि भैया वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो जा करके ऐसा ब्लड से ना मिल जाए जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या ही कहना, हम लोगों को जान भी जा सकता है राइट। तो ये इंश्योर करता है, इसीलिए हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कोई पूछेगा तो बता दोगे ना कि क्यों, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है, द बॉल्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जो हमारा बॉल्स होता है दीवारें हैं किस चीज का, हार्ट का ठीक है, वो किस चीज से बना हुआ है बोलो, तो कार्डियक मसल से बना हुआ, एक स्पेशल मसल है ये कार्डियक मसल्स, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में बातें करते हुए राइट। यहाँ मैं बता रहा हूँ जी कि द ऑट्रियम्स आर सेपरेटेड एक्सटर्नली फ्रॉम द वेंट्रिकल्स बाय एन इरेगुलर ग्रूव कॉल्ड कोरोनरी सल्कस, आई डोंट नो यहाँ पे सल्कस और कुछ और होना चाहिए, खैर जो भी हो। चलिए ये हो गया, तो यहाँ पे बताया गया आपको इसी पॉइंट के बारे में बातें करते हुए कि जो ऑट्रियम्स होता है, ऑट्रियम्स वो सेपरेट होता है एक्सटर्नली, ऊपरी भाग से भी आप देख करके समझ सकते हो कि नहीं वैसे सेपरेशन है वो फ्रॉम किससे, तो ओरिकल्स यानी कि ऑट्रियम्स जो है वो अलग होता है वेंट्रिकल से बाय इरेगुलर ग्रूव जिसको कोरोनरी सल्कस कहते हैं ठीक है, तो इसी से जो है वो अलग होता है, यानी कि दोनों में सेपरेशन होता है, यानी कि एक दीवार के रूप में काम करता है राइट। नेक्स्ट है, एन आउटर डबल मेम्ब्रेन दैट इंक्लोजेस द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम ठीक है। अब कोई पूछता है कि पेरिकार्डियम के बारे में बातें करूं तो क्या बात होगा पेरिकार्डियम के बारे में, तो बताया गया कि एन आउटर डबल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर जो डबल से हार्ट के ऊपर जो बाहर से डबल मेम्ब्रेन है
जो कि इनक्लोज करता है हार्ट को, एकदम ऐसे घेरे हुए बंद किए हुए, उसको क्या बोलते हैं? तो वो उस मसल का नाम है पेरिकार्डियम, राइट। उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम क्या होता है? तो डबल मेम्ब्रेन जो हार्ट को ऊपर से ढके हुए है, दैट इज द पेरिकार्डियम। और है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजुरी। जब हार्ट पर किसी प्रकार का लोड आता है या फिर किसी प्रकार का अगर ऐसे ही कुछ भी घुस जाता है, राइट, नाइफ वगैरह सब, चाकू वगैरह, तो यही जो है वो पेरिकार्डियम वो कुछ हद तक इसको सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। किसको? तो इसी हार्ट को। हार्ट के बारे में बातें करते, राइट। तो हार्ट के बारे में आई होप कि तुम्हारा जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो पाया होगा, राइट। तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ, किसी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? सो इफ यू वॉन्ट देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। चलिए, क्या आपने इसे लिख दिया? आगे बढ़ जाए, लिखो इसे जल्दी से, ताकि मैं और भी चीजों के बारे में आपको इस नॉलेज को शेयर कर पाऊं, राइट। चलिए, आगे लिख लिया, आगे बढ़ते हैं जी, राइट। क्या हुआ? तुम भी बैठ के लिख रहे थे जी, तो तुम समझ नहीं रहते, खाली लिखते ही रहते हैं जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी हार्ट के बारे में जानकारी देता हूँ आपको, बता रहा हूँ। द स्पेस बिटवीन द टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। जो स्पेस होता है दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है जिसको पेरिकार्डियम बोला हमने, राइट। तो जो स्पेस है, जो गैप है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में, उस गैप का क्या नाम है? तो उस गैप का नाम है पेरिकार्डियल स्पेस, राइट। तो कोई पूछेगा कि पेरिकार्डियल स्पेस क्या हुआ, तो कहेगा कि दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है दैट इज द पेरिकार्डियल स्पेस, राइट। चलो समझ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, द पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूड। जो पेरिकार्डियल स्पेस है वो भरा गया है, वो फिल्डअप है किस चीज से? तो पेरिकार्डियल फ्लूड से वो भरा हुआ है, राइट। नेक्स्ट है, द पेरिकार्डियल फ्लूड कीप्स द हार्ट मोस्ट एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। देखिए, जो पेरिकार्डियल फ्लूड से भरा गया है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसी इंपॉर्टेंट के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, राइट। तो उसके बारे में बताया गया कि जो पेरिकार्डियल फ्लूड है वो कीप्स द हार्ट, यानी कि हार्ट को मॉइस्ट रखता है, यानी कि नमी देता है, नम्रता नहीं बल्कि नमी प्रदान करता है, यानी कि गीलापन प्रदान करता है, ताकि जो हार्ट धड़कता है तो साइड वाला मसल से फ्रिक्शन करता है ना, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा तो इससे घिसेगा ना, तो फ्रिक्शन ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इसीलिए पेरिकार्डियल फ्लूड जो है वो उसको निश्चित करता है बिटवीन द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड द सराउंडिंग टिश्यू। यानी कि जो वॉल्स हुआ, जो दीवार हुआ हार्ट के और बाहर कोई टिश्यूज है उससे फ्रिक्शन ना कर जाए, इसी के लिए वो पेरिकार्डियल फ्लूड वहां पे है, राइट। चलिए समझ गया, ये चीजों का क्लियर होगा? होगा, अच्छी बात है। सो इफ यू वॉन्ट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख दो, राइट। मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया हूँ, आप इसे जो है वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, राइट। चलो, अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? बोलेगा कंफ्यूजन है तो, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। चलो इसे लिखो। लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर भी बना लिया जी, इतना जल्दी? अरे ऐसे बनता है, बढ़िया से अच्छे से बनाओ। देखो तो कैसे बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे 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 लाइनिंग कल, और जहाँ पे जो चीज है वो उस चीज को दर्शा दिया। तो हमारा जो हार्ट है वो बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है, राइट। तो इसको क्या समझाना, हालांकि मैंने और भी बहुत सारी चीजों को समझा ही दिया है, सो इसको क्या समझाने के लिए है, ये फिगर है, फिगर बना लीजिए, बताएंगे कि यहाँ पे ये राइट ऑट्रियम है, ये होता है, वो होता है, तो आप खुद से भी देख सकते हो, राइट। इसीलिए मैं इसके ऊपर टाइमिंग नहीं दूंगा, आप इसे डायरेक्ट फिगर बनाओ। हाँ सर, फिगर भी बनाना है, ठीक है, तुम लोग फोटोज भी क्लिक कर लो मोबाइल में, ठीक है, राइट। चलिए, अभी इतना जल्दी तो नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? चलिए ये हो गया, और आप लोग तो वीडियोस को पॉज करके रोक ली बना ही सकते हो, राइट। चलिए ये बन गया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में खत्म होता है कहानी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में आपके सिलेबस में इतना ही जानना था, राइट। नेक्स्ट है,
इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट जो है वो अंदर से कैसा है, इसी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आज डील करने वाला हूँ। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आइए चलिए जानते हैं। बता रहा हूं कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू ऑरिकल्स। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में बातें करें तो इसके पास दो ऑरिकल्स है और दो वेंट्रिकल्स है, और क्या है, ब्लड एंड वॉल्व्स। इसके पास ब्लड भी होते हैं, बहुत सारे ब्लड हार्ट में ही है, और वॉल्व्स भी होती है। वॉल्व्स एक गेट कीपर के काम करता है कि ब्लड इधर से इधर जाने दें कि ना जाने दें, कि इधर से इधर जाने दें, वो वॉल्व्स डिसाइड कर लेता है, राइट। वॉल्व्स का काम यह है, राइट। चलिए समझ गया, अब ऑरिकल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बता रहा हूँ द ऑरिकल्स और ऑट्रियम्स भी कहते हैं, और अपर टू चैम्बर्स, ठीक है। जो ऑरिकल्स है वो क्या है जी, वो हार्ट का चैम्बर है। जो कितने ऑरिकल्स होते हैं, तो दो ऑरिकल्स होता है, ठीक है। कहाँ, तो हार्ट के ऊपरी भाग में, ऊपर वाले हिस्से में दो ऑरिकल्स पाए जाते हैं। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर अभी तक नहीं लिखे हो तो तुम लिख लो, इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख डालो, राइट। नेक्स्ट जानकारी इसी ऑरिकल्स के बारे में कि दे हैव थिन वॉल्स, इसके पास पतला सा चदरा होता है ऑरिकल्स के पास में, राइट। एज देयर फंक्शन इज टू पंप ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स का ये काम हुआ कि वो ऑरिकल्स ऊपर है, नीचे वेंट्रिकल्स है, तो ऑरिकल्स का काम हुआ कि ब्लड को पंप करे, ढकेल दे, किसमें, तो वेंट्रिकल्स में, यानी कि नीचे की ओर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि बोथ ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। तो इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम के द्वारा जो है वो ये क्या बोलता है, वो सुरक्षित रहता, यानी कि डिवाइड रहता, विभाजित रहता, दोनों अलग रहता है, राइट। अब दूसरा पॉइंट है दैट इज द वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, राइट। देखिए बता रहा हूं स्टार लगा लेगा, ठीक है ना। दीस आर टू लोअर थिक वॉल चैम्बर, जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो हार्ट के निचला दो चैम्बर है ये, ठीक है। एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटर ऑरिकल सेप्टम, तो इंटर ऑरिकल सेप्टम से सेपरेट रहता है, दोनों अलग रहते हैं, कौन, ये वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल जो है वो हार्ट के दो चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल, जो कि हार्ट के निचला भाग में ये पाया जाता है, ये वेंट्रिकल के बारे में बातें करते हो, राइट। नेक्स्ट है द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इज थिकर देन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स, जो इसका जो दीवार्स है, जो वेंट्रिकल्स का जो वॉल्स होते हैं, दीवार है, वो थोड़ा सा मोटा होता है किसके कंपेरिजन में, तो राइट वेंट्रिकल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, हार्ट का वो मोटा होता है किससे, राइट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट का, राइट, जो कि वेंट्रिकल्स निचला चैम्बर है हार्ट का, ठीक है जी। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, कोई लड़का पूछेगा तो बता रहा हूं ऐसा क्यों, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड इनटू द वेसल्स दैट फर्दर कैरी द ब्लड टू द होल बॉडी, पता नहीं इसको आ गया, इसको ठीक करूं तो करूं कैसे, चलो कोई नहीं, जाना नहीं। वैसे भी मैंने पहले एक बार साइड हटा था ना, ठीक है, तो उसे लिख लिए ही होंगे, अभी तो दिख नहीं रहा मुझे, होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोटा सा और जानिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। द राइट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड टू द पुलमोनरी आर्टरीज विच इट टू द लंग्स, जो हमारा राइट वेंट्रिकल्स होता है वो ब्लड को पंप करता है पुलमोनरी आर्टरीज में, ठीक है। जो वहां से होते हुए कहाँ गुजरता है ब्लड, तो लंग्स के पास चला जाता है, राइट। तो आई होप कि ये चीजें जो है वो तुझे समझ में आ रहा होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर तो मैंने अभी तक तुझे पढ़ा दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के बारे में। अब समय आ गया है कि ये सब चीज को लिख लिया होगा, और ये एक फिगर आपको हार्ट का दिख रहा होगा, पुलमोनरी वेंस वगैरह ये सब, और हार्ट
आर्टिस्ट वगैरह सब कहाँ पे है वो सब कुछ दिखाया गया है। राइट ऑरिकल्स लेफ्ट ऑरिकल्स के बारे में भी दिखाया गया है। तो आप क्या कीजिए, आप इसे जल्दी से अपने कॉपी पर इसे इस ड्राइंग को स्केच कर लो। राइट, मैं साइड हट जाता हूँ आपकी इसी स्क्रीन से। राइट, मैं आपके स्क्रीन से साइड हट गया और आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसे जरूर से लिख लेना एक बार। चलो लिख लिया, आगे बढ़ जाए। बोलिए, लिख लिया होगा। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। लिख लिया होगा। चलो देखो, अगर नहीं लिखा हो तो दोबारा से मैं साइड हट रहा हूं। आप इसे क्या कीजिए, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। राइट, फिगर बाकी देख लीजिएगा। एक ये भी फिगर है, ठीक है ना। इस फिगर को मैं नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन आगे जो है वो इसी फिगर के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस फिगर को भी देख लीजिए और हाँ अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, ठीक है। चलो इस फिगर को बना लो अच्छी तरीके से। बना लिया, आगे बढ़ जाए। देखिए इसी फिगर के बारे में बहुत सारी चीज जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ हूँ। राइट, तो चलो जानते हैं इसी के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। वो फिगर बनाने के लिए था, लिखा हूं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस लंग्स लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है कहाँ से कहाँ, तो लंग्स से हार्ट के पास जाता है। क्या चीज, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, नेक्स्ट है, दिस ब्लड फर्स्ट इंटर द लेफ्ट ऑट्रियम। ये जो ब्लड है वो सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम में जाता है थ्रू पुलमोनरी वेन, पुलमोनरी वेन्स के द्वारा। अब लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो एक्सपैंड, वो फैलता है इट्स ए वाइल कलेक्टिंग ब्लड। जब ब्लड आएगा हवा बॉलून में भरेंगे तो बॉलून फैलेगा, हवा निकलेगा तो बॉलून से कूड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस चीज को याद रखना, समझ में काम आएगा। समझिए, कलेक्टिंग ब्लड, वो ब्लड को कलेक्ट करता है तो फिर वो एक्सपैंड करता है। नेक्स्ट है, उसके बाद क्या क्या स्टेप होता है हार्ट में वो बता रहा हूँ। लेफ्ट ऑट्रियम एज इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही लेफ्ट ऑट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता, सिकुड़ता है यानी कि छोटा होता है, तो ट्रांसफर द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये ब्लड को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ये ब्लड चला जाता है। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपैंड, अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो एक्सपैंड करेगा यानी कि फैलेगा इट सेल्फ ऑन कलेक्टिंग ब्लड, जब ब्लड को ये ले रहा होगा तो। राइट, अब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, छोटा होगा, देन इट पासस द ब्लड इनटू एरोटा, ठीक है। तो ये एरोटा में ब्लड को पास कर देगा जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब, विच पंप्स आउट द ब्लड, जो कि ब्लड को पंप्स करेगा होल बॉडी, पूरे बॉडी में इस प्रकार से जो है वो ब्लड जाएगा। राइट, नेक्स्ट है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि वो हो सकता है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लोज करता है फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, वो शरीर से फिर से वो हार्ट के पास आता है। क्या, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट, अब क्या होगा कि दिस ब्लड इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय द रॉट राइट ऑट्रियम। ये जो ब्लड है, खून जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सबसे पहले राइट ऑट्रियम में पहुंचता है। राइट, इसके बाद इट एक्सपेंड्स इटसेल्फ, फिर ये खुद ब खुद फैल जाता है व्हाइल कलेक्टिंग द ब्लड, जब ब्लड को ये ले रहा होगा तब। राइट, नेक्स्ट है कि राइट ऑट्रियम एज इट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही राइट ऑट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि सिकोड़ता है, छोटा होता है, तो ट्रांसफर द ब्लड, ये ब्लड को ट्रांसफर करता है राइट वेंट्रिकल्स में यानी कि दाहिना वेंट्रिकल्स में। राइट, द राइट वेंट्रिकल्स एक्सपैंड, अब ये राइट वेंट्रिकल्स जब बड़ा होते हैं फैलते हैं इट्स ए हाई कलेक्टिंग ब्लड, जब ये ब्लड को जमा कर रहा होगा तब। राइट वेंट्रिकल्स एज इट कॉन्ट्रैक्ट, अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा होगा, पासस द ब्लड लंग्स, ये लंग्स में ब्लड को पास कर देगा कैसे, तो थ्रू पुलमोनरी आर्टरीज के द्वारा फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ताकि ब्लड में ऑक्सीजनेशन जो है वो सप्लाई हो सके। राइट, तो हार्ट जो है वो किस प्रकार से काम करता है, ये फिगर को ये जो है वो ये एक चार्ट डायग्राम की तरह मैंने बताने का प्रयास किया है। आप क्या करेगा, आप ऐसे लिख तो नहीं पाओगे, तो क्या करना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, इस प्रकार से करके लिख लेना। राइट, तो लिख लोगे ना। राइट, मुझे यकीन है कि आप इसे लिख लीजिएगा। राइट, तो ठीक है, और ये जो जो कुछ भी बताया वो पिछला फिगर जो है वो उससे कुछ रिलेट करके देखो तो कि आपको कुछ समझ में आता भी है या नहीं। राइट, चलिए तो ठीक है, आज इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ता हूँ, ठीक है ना। फिर से मिलूंगा कुछ
कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप बस ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहिए, हंसते। आप बस ऐसे ही हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, ठीक है? तो सी सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट वुमेन इज मस्ट बेट, राइट? अपने दोस्तों के बीच में मुस्कुराते हुए रहना, राइट? तो जो कुछ भी बताता हूँ उसको एक बार खुद से भी रिवाइज किया करो, तब जा करके ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता, राइट? राइट, तो अब क्या ही कहना। और बाकी अच्छे से पढ़िए, फेयर कॉपी को रिवाइज कीजिए, बनाते हो नोट्स को। लव यू, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, राइट?